हेलो हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साक्षी के पूर्व कथन के प्रयोग के बारे में। साक्षी के पूर्व कथन कथन के प्रयोग के बारे में। ठीक, प्रयोग के बारे में। ये धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 में इसका प्रावधान है, 157। अगर आप हमारे ही चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ साक्षी के पूर्व कथन के बारे में चर्चा करेंगे और उदाहरण देंगे जो 157 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा गया, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं पॉइंटों पर इस धारा का जो प्रयोग है हम तभी कर सकते हैं या तभी किया जा सकता है जब साक्षी का कथन जो है वो लिखित में हो। यदि मौखिक है, ये कथन मौखिक है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ लिखित का अर्थ लिखित ही है, लिखा हुआ देखा जा सके। लिखित का मतलब जिसे हम देख सकते, लिखा हुआ वो माना गया है लिखित अर्थ में। यदि किसी साक्षी का पूर्व कथन टेप किया गया है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर टेप किया हुआ कथन कोई है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। पूर्व जो लिखित कथन है वो किसी प्रकार का हो सकता है, ये जो लिखित कथन है वो किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे बही खाता हो सकता है, ठीक है, पत्र हो सकता है कोई, या डायरी हो सकती है, डायरी हो सकती है, या प्रार्थना पत्र हो सकता है, ये लिखित कथन हो सकते हैं सब, ठीक है, आदि और भी हो सकते हैं इस तरीके के। पूर्व कथन का जो प्रयोग है वो धारा 157 के अंतर्गत साक्षी के कथन की संपुष्टि में भी किया जा सकता है, ठीक है, संपुष्टि में भी किया जा सकता है। तथा धारा 157 में ये कहा गया है कि किसी साक्षी के परिसाक्ष की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी को संबंधित उस समय या उसके लगभग जब ये तथ्य घटित हुआ था या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हुआ कोई पूर्तन कथन साबित किया जा सकेगा। ये धारा 157 शब्दों का प्रयोग किया गया था जिस सिद्धांत पर धारा 157 आधारित है, ठीक है, जिस सिद्धांत पर धारा 157 आधारित है वह ये है कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती, यानी कि पहले का और बाद का जो कथन है उन कथनों में संगति, ठीक है, संगति किसी साक्षी की विश्वसनीयता में विश्वास कराने या करने का एक अच्छा आधार है। मतलब इसका जो सिद्धांत है 157 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो साक्षी है उसके पहले का कथन और बाद के कथन को मिलाया जाता है और विश्वसनीयता को लाया जाता है और उस पर विश्वास करने का एक अच्छा आधार माना गया है धारा 157 में। अच्छा, धारा जो 157 है वो एक नियम है कि कोई व्यक्ति अपने ही साक्ष की संपुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसका ये अपवाद है, ठीक है, ये नियम है कि कोई व्यक्ति अपने ही साक्ष की संपुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन 157 जो है धारा वो इस नियम का अपवाद है। ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपने अपने कथन, यानी कि अपने कथन, कोई व्यक्ति से मतलब है साक्षी, ठीक है, साक्षी, कोई साक्षी अपने कथन के साक्ष्य साक्ष की संपुष्टि नहीं कर सकता, ठीक है, संपुष्टि नहीं कर सकता, ठीक है, ये नियम है। लेकिन 157 जो है धारा इसका अपवाद है, ठीक है, इसका अपवाद है।
इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने कथन की संपुष्टि कर सकता है। ठीक, अब उदाहरण समझ लिए इसका। उसका उदाहरण ये है कि एक केस है शेख जाकिर का, शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य। शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य का है, ठीक है, बिहार राज्य का है, सन 1988 का, 1988 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि ये स्वीकार किया गया कि धारा 157 के अंतर्गत एक विवाहिता स्त्री द्वारा अपने पति को ये बताना कि उसके साथ बलात्संग हुआ, ठीक है, उसकी अभी साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस केस में ये कहा गया, उस साक्ष्य की पुष्टि मतलब संपुष्टि के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। साक्षी द्वारा किए गए पहले के कथन का प्रयोग, उसके द्वारा न्यायालय में किए गए साक्ष्य की संपुष्टि में भी किया जा सकता है, पर इसके लिए यह आवश्यक है कि जो पूर्व कथन है उस समय या उस स्थान पर किया गया हो जबकि जहाँ तथ्य घटित हुआ था, या यह कथन किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष किया गया हो, ये इसकी शर्त है। धारा 157 का एक उदाहरण देखिए, ठीक है, फिर से एक उदाहरण और देख लीजिए कि एक व्यक्ति जिसने एक हत्या होती देखी थी, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक हत्या होती हुई देखी, उसने तुरंत ही घटना अपने पिता को बता दी, ठीक, बता दी, तो पिता ने उस एफआईआर को भी सुना जो उसके लड़के ने दर्ज कराई थी। न्यायालय ने कहा कि घटना के समय तथा पुत्र द्वारा अपने पिता को बताने के लिए समय में इतना अंतराल नहीं था कि ये कहा जा सके कि धारा के शब्दों, ठीक, ये कहा जा सके कि जो धारा के शब्द हैं उन शब्दों में उसी समय पर था कि लगभग जब वह तथा घटित हुए हुआ था, ठीक, जब वह तथा घटित हुआ था द्वारा बताई गई सीमा से बाहर हो गया हो, पिता के जो परिसाक्ष में पुत्र के परिसाक्ष को संपुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था, यानी कि इतना अंतर नहीं था दोनों के बताने में कि उसको संपुष्टि नहीं किया जा सकता, संपुष्ट नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि जो पिता कथन करे थे, जो पुत्र ने उस पुत्र ने पिता को बताया था, उनके दोनों के अभिसाक्षियों की संपुष्टि की जा सकती है इस केस में, इस उदाहरण में बताया गया। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की साक्षी के पूर्व कथन के बारे में। धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, हो सकता है ये टॉपिक इतने आसानी से समझ में ना आया हो, तो आप मेरी इस वीडियो को रिपीट करके भी दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।